हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में बीपीएससी सेगमेंट के अंदर एक करंट अफेयर का न्यूज लेके आए हैं जो रिलेटेड है पॉलिटी से। न्यूज ये है कि आप सुने होंगे कि एमपी या एमएलए के जो फंड्स हैं उन्हें कोरोना वायरस के बचाव के लिए अभी कट कर लिया गया है, उस राशि को रोक दी गई है। तो आज का हमारा इसी चैनल न्यूज से ही हमारा टॉपिक शुरू होता है जो पॉलिटी से है कि एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद की कौन सी निधि है, ये निधि कौन से विभाग द्वारा दी जाती है, इस निधि का उपयोग कैसे किया जाता है, और अगर वो कट करके जो न्यूज है वो है कि कंटिजेंसी फंड में उसे ट्रांसफर कर दिया गया है। तो भारत की कौन कौन से फंड्स हैं, कौन कौन सी निधियां हैं और संविधानिक रूप से उनका क्या मीनिंग है वो हम आज समझेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझें कि इसमें जो बताना है वो है MPLADS मींस ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपया दी जाती है अपने कंस्टिट्यूएंसी में, जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो जीत कर आते हैं उस कंस्टिट्यूएंसी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। इस 5 करोड़ के राशि से वो अपने एरिया का डेवलपमेंट करते हैं, जो रेस्पेक्ट उनके जो रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट हुए उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से वो उस योजनाओं को अनुशंसा करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उन योजनाओं को कराया जाता है। तो ये आपको पीटी के एग्जामिनेशन को देखते हुए ये क्वेश्चन आ सकता है कि उस निधि का नाम क्या है या उस निधि के विषय में उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, राशि पूछी जा सकती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ये MPLADS स्कीम है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, तो कौन सा मिनिस्ट्री इस स्कीम को देखती है, मीन्स कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम आ रही है। तो ये याद रखने लायक बात है कि जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है तो आपको इस स्कीम के विषय में जानना है। ये स्कीम अगर पुरानी बात करें कब से स्कीम लॉन्च हुई, कि 1993-94 से ये स्कीम लॉन्च की गई थी, राशि 5 करोड़ की है और इसे अपने कंस्टिट्यूएंसी में प्रत्येक सांसद द्वारा खर्च किया जाता है। दूसरा इसी से रिलेटेड न्यूज था कि इस राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है भारत के कंटिजेंसी फंड में। तो हमको जानना चाहिए यहाँ पर कि भारत के पास ऐसे कौन कौन से फंड होते हैं और उसको ऑपरेट करने का तरीका क्या है। तो इसमें याद रखेंगे आप कि भारत के लिए अगर बात करें फॉर इंडिया, वहाँ पर 3 तरह के फंड लिए जाते हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संचित निधि, दूसरा आपके पास है पब्लिक अकाउंट जिसको कहा जाता है लोक लेखा, और तीसरा है कंटिजेंसी जिसे हिंदी में कहा जाता है आकस्मिक निधि। 3 तरह की निधियां या 3 तरह के फंड्स भारत सरकार के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करें तो ये और ये दोनों का जिक्र आपके आर्टिकल 266 में किया गया है, जबकि कंस्टिट्यूएंसी का जिक्र जो है आपका वो 267 में किया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस फंड्स का आप आर्टिकल पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर संचित निधि के बारे में बात करें तो ये सिंपल सा तरीका है, समझिए, जितने तरीके का पैसा, इट मीन्स जितने तरीके का राशि भारत सरकार अर्न करती है टैक्स के माध्यम से या संचित निधि में राशि
के एवज में ऋण के माध्यम से या किसी को ऋण दिया उसके एवज में जो उन्हें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, वो जितनी भी प्रकार का पैसा भारत सरकार अर्न की वो सारा पैसा आपका हमेशा सेव होगा जाके कंसोलिडेटेड फंड में। हमेशा जो भी पैसा भारत सरकार अर्न कर रही है वो राशि आपके संचित निधि में ही जमा होगी, और जो बजट बनता है उस बजट में जो खर्च करने के लिए जो हम लोग एक्सपेंडिचर बनाते हैं वो इसी निधि में जमा राशि से बनाया जाता है। तो ये एक तरीके का भारत सरकार का खजाना है। अब क्वेश्चन है कि इस खजाने से अगर राशि निकालनी हो तो कैसे निकलेगा, तो ये ध्यान देना है कि इसे निकालने का जो विधि है वो संसदीय विधि, मतलब आप संसद में प्रस्ताव लाएंगे और प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा होगी, उस पर वोट होगा, आफ्टर डैट ही उस राशि को निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। मींस क्या हुआ, अगर इस मद में कोई राशि है तो उसे निकालने के लिए आपको संसदीय विधि के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बजट पेश होने का मुख्य जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड में जो राशि है उसे एप्रोप्रिएट प्रोसेस के थ्रू निकासी की जाए। तो ध्यान देना है कि इस फंड से राशि अगर निकालना है तो आपको संसदीय विधि से ही निकाला जा सकता है। दूसरा, पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट कमिटी अकाउंट जो है ये है कि ये आपका वो पैसा है जो कंसोलिडेटेड फंड के अलावा इसके मद के एवज में ऋण लिया जाए, या आपका भविष्य निधि जमा राशि, या न्यायिक जमा राशि, या बचत, या बैंक जमा राशि, ये जितने प्रकार की राशि जो रेकरिंग के रूप में यूज होते हैं, जो रेकरिंग के रूप में यूज होते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा, दोनों में यही अंतर है कि इसमें वो राशि जो रेकरिंग के रूप में जमा होते हैं वो सभी रखे जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स में, और इस राशि से, इस फंड से राशि निकालने के लिए आपको किसी संसदीय विधि की आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल एक रेजुलेशन के द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये आपका बहुत बड़ा अंतर रहेगा कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट में, जबकि पब्लिक अकाउंट को निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसके लिए हमेशा पब्लिक कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा जो टाइप का फंड है वो है कंटीजेंसी फंड, यानी आकस्मिक निधि। ये निधि कहता है कि ये एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करके रखा जाता है जो पैसा यूज किया जाता है अगर मान लीजिए देश में किसी समय पैसे की आवश्यकता पड़ गई और हमारा पार्लियामेंट्री सेशन बंद है, पार्लियामेंट्री सेशन चल नहीं रहा है। अगर पार्लियामेंट्री सेशन नहीं चल रहा है तो आपको संचित निधि से राशि निकालने का रास्ता नहीं है। उस कंडीशन में देश किस राशि से खर्च करेगी, किस निधि से खर्च करेगी, उस समय के लिए रखा जाता है कंटीजेंसी में, कुछ पैसा रखा जाता है, और वैसे समय में जब देश को राशि की अत्यंत आवश्यकता हो और पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी बंद है, पार्लियामेंट हमारा बंद है, सेशन बंद है, उन दैट केस हम लोग इस जमा राशि से खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद जब भी सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का तो सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बिल लाकर कंसोलिडेटेड फंड से राशि निकाली जाती है और कंटीजेंसी फंड में उतनी ही राशि रख दी जाती है। मींस क्या हुआ, इसमें जो पैसा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उतना ही पैसा यहाँ पर बरकरार रहना चाहिए। और इस पैसे को निकालने का अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार है हमारे देश के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त सचिव द्वारा ही इस निधि में राशि रखी जाती है या राष्ट्रपति के अनुमोदन से राशि निकाली जाती है। तो तीनों फंड में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि कंसोलिडेटेड फंड में अगर राशि है इसको पार्लियामेंट के अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा निकाला जा सकता है, पब्लिक अकाउंट में अगर पैसा है तो ये पैसा निकालने के लिए आपको सिंपली एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर कंटीजेंसी में है इसमें आपको राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार तीन तरह के फंड हैं, और हमारे बजट में हम लोग बात करते हैं हमेशा संचित निधि पर कि हमारा कितना राशि
कितना टैक्स आया या कितना राशि हमारे देश में जमा हुआ, उस हिसाब से हम लोग अपना बजट एलोकेट करेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो था हमारा जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड था, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड था, और हम लोग की कोशिश यही है कि अब आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से लगातार आपको टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग वीडियो देना शुरू करेंगे, जो क्लास डेली शाम में 7 बजे से शुरू होगी। तो आप अगर लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव जुड़ें, और जो भी डाउट्स हो वो आप लाइव चैट में बोल सकते हैं। थैंक यू।